आज के इस जमाने में हर व्यक्ति स्वयं ही कुछ ना कुछ फैसला लेके कुछ ना कुछ करता है। देखो 10वीं 12वीं की रिजल्ट आती है, उस दिन पेपर का रिजल्ट देखने बाद शाम तक अगले दिन सुबह तक न्यूज आता है कि 100-150 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। कितने बच्चों ने? हाँ, ये क्या हुआ? हमारे निर्णय लेने में जो शीघ्रता है वो शीघ्रता हमको दुख देती है। 6 महीने में वापस एक एग्जाम लिख लें तो पास हो जाए, हाँ, और नहीं भी पास हुए तो कौन से अभी इस धरती में रहने वाले सभी जीवों को वो कोई पास होके नौकरी करके ही जीना है। बंसीलाल जी कितने पढ़े हुए, फिर भी ठीक है, फिर भी पूछता हूं कि नहीं पढ़े हो तो क्या रोटी हजम नहीं होती? टट्टी पिसाब बराबर लगता है? और पढ़े तो ही टट्टी पिसाब लगेगा। पानी पीते हो तो बराबर पिसाब निकलता है? मैंने तो सुना MBA या डॉक्टर इंजीनियर पढ़े तो ही पिसाब लगता है, नहीं तो बंद हो जाता है, सही है? हाँ, तो पिसाब पानी से लगता है, टट्टी भोजन से लगता है, बीच में पढ़ाई का कोई काम ही नहीं है। मेरा बेटा इतना पढ़ेगा तो ही ऐसे होगा, ये मूर्खों का काम है। मेरा बेटा किसी भी हालत में बड़ा होगा, ये होशियारों का काम। होशियार आदमी जानते हैं, मैंने बड़े लोगों को देखा है, पढ़ाई से बड़ा बनने के लिए एक ही पद मिलेगा। गूगल का CEO 10 बन सकते हैं क्या? कितने बनेंगे? तो फिर सुंदर पिचाई का पढ़ाई एक के लिए ही काम आएगा, लेकिन व्यापारी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट, फैक्ट्री चलाने वाले 10 करोड़ भी हो सकते हैं, उसके लिए कंपटीशन नहीं, एक पद भी नहीं है, उसके लिए कोई पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है। आप अगर हीरा तराशने की फैक्ट्री लगाते हो तो उसमें पढ़े हुए लोगों को डाल के काम लेते हो तो उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 50 पढ़े हुए लोग आपके पास काम करते हैं। तो आपको बड़ा बनने का, मैं तो एक ही चीज देखता हूं कि अब बड़ा बनना, श्रेष्ठ बनना, मेरा पद और बड़ा होना, ये तड़प कम हो गया। क्या हो गया? एक हासिल हो गया, वहीं पड़े रहते हैं, भाई हासिल हो गए, हमको मिल गया, वहीं पड़े रहते हैं, तो वो तकलीफ देता है, वो परेशान करता है। आगे बढ़ने के लिए हमें तड़प होना जरूरी है, पढ़ाई होने की जरूरत नहीं। अगर तड़प आ गई किसी भी हालत में आगे बढ़ जाओगे आप, और विभिन्न प्रकार से आगे बढ़ने के लिए प्रकृति रास्ता देती है। देखो हम कृष्णगिरी में जा रहे थे ना, आम बहुत आता है वहां। क्या आता है? आम। अब देखो दुबई में आम नहीं आता, रेगिस्तान, अरब कंट्री में आम नहीं आता है, खूब गर्मी पड़ती है, तो यहाँ से यह आम को लेकर के खरीद के पल्ब बनाते हैं, पल्ब, मैंगो पल्ब। इसमें प्रेजर्वेटिव्स डाल के डब्बे में भर देते हैं, साल भर भी कुछ नहीं होता। ये विदेश में एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ जाने के बाद उसमें सिर्फ पानी और शक्कर डाल के वो लोग उसको जूस, 100 मैंगो का जो जो प्रोडक्ट बनाना है वो सब बना लेते हैं। तो हमारे कृष्णगिरी के पास ऐसे जो अनपढ़ लोग हैं वो लोग करोड़ों कमा रहे हैं इस मैंगो को टिन में भर के, मैंगो पल्प। होशियारी की बहुत जरूरी है। इस मैंगो का ही पल्प नहीं बनता, सीताफल का भी पल्प बनता है, ग्वावा अमरूद का भी पल्प बनता है, कितनी चीजों का। ये एक उदाहरण बता रहा हूँ कि अगर आदमी सोचे तो करोड़ों रुपये में काम करने के लिए उसके पास कई रास्ते हैं, और हम एक ही रास्ता देखते हैं, मेरा बेटा पढ़ ले, मेरा बेटा पढ़ ले। कितने कल मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए, कितने कलेक्टर बन लेंगे, कितने पुलिस बन लेंगे, कितने जज बन लेंगे, जितने जिले हैं और जितने व्यवस्था की सीट है उतने ही बनेंगे। लेकिन व्यापारी बनने के लिए कोई लिमिट नहीं होता। व्यापारी बनो 10 लाख 10 लाख, कितने लाख व्यापारी बनते ही जाते हैं, क्योंकि लेने वालों की संख्या, जब तक जनसंख्या बढ़ती जाएगी
उतने ही व्यापारियों की जरूरत है, खरीदने वाले जितने होंगे देने वाले उतने जरूरत पड़ेंगे कि नहीं। तो व्यापार करना आज के तारीख में अगर सही ढंग से करें तो बड़ा बनने के लिए बहुत अच्छा साधन है व्यापार। और वही लोग रोते हैं, बंसीलाल जी रोते हैं, आजकल धंधे में कुछ नहीं पड़ा महाराज। ये कौन बोलता है जो समय के साथ अपडेट नहीं होता है, जो पुराने ही वो रीत रिवाज और पुराने जमाने के वही तरीकों को पकड़ के बैठा है और आज भी बदल नहीं पाया, वही रोएगा कि भाई धंधे में आजकल कुछ नहीं पड़ा है। देखो दो लड़के बेंगलोर के बस स्टैंड में रात में फंस गए, एक लड़का 16 साल का एक लड़का 17 साल का, कितने साल के, बस नहीं मिल रही है। तो रात में बैठे बैठे सोचे कि बस मिले नहीं मिले तो आदमी कितना दुखी होता है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि कोई भी बस की कंपनी हो उनके साथ टाई अप करके बुकिंग का सिस्टम। 17 साल का लड़का, कितने साल का, सेलम का ही, तमिलनाडु सेलम का, हमारे कृष्णगिरी के पास के सेलम जिले का ही लड़के थे दोनों, 17 साल के लड़के। उन्होंने एक ऐप बनाया, उस ऐप में आप 10 रुपया एक्स्ट्रा दे के कोई भी कहीं भी दूर जाना हो, सिर्फ 10 रुपया एक्स्ट्रा दे के बस की टिकट कहीं भी कभी भी बुक कर सकते हो। ऐसे वो बस बुकिंग सिस्टम चालू किए वो बच्चों ने, फिर वो इतना फेमस हुआ, वो नाम बेचा उन बच्चों ने, उन्होंने जो ऐप बनाया वो नाम किसी दूसरे कंपनी को बेचा, वो कंपनी था redbus.com। 600 करोड़ रुपए में उन बच्चों ने ये कंपनी का नाम बेचा। तो ये बात होती है बुद्धि की, बुद्धि जब आ जाए ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और वो बुद्धि को आज की जो बदली हुई दुनिया, तकनीक, आज की बदली हुई संसार के लायक हमको खुद को हरदम अपडेट करना। आप लोग क्या करते हो, फालतू के यूट्यूब वीडियो देखना, उसको 11 बार भेजो नहीं तो तुम्हारे घर में नुकसान आ जाएगा, वो मैसेज पढ़ना, साईं बाबा का फोटो भेजना, इस सब में कुछ नहीं पड़ा है। आज ये दुनिया बदल गई है तो बदली हुई दुनिया में मुझे कहाँ खड़ना चाहिए, ये विवेक जिसमें आ गया है वो किसी भी उम्र का आदमी हो, कितना भी कम पढ़ा हुआ व्यक्ति हो, इधर कोई पढ़ाई का मायना ही नहीं रखता, अनुभव का मायना रखता है।